हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को डेली करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश में डिफो पुल का उद्घाटन किया गया है। तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश के निचले दिबांग घाटी जिले में चिप्पू नदी पर डिफो पुल का उद्घाटन किया गया है। और इस पुल की लंबाई 426 मीटर है और इसका काम 2011 में शुरू किया गया था। और यह पुल की लंबाई 426 मीटर याद रखिएगा। और यह पुल पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और लोहित घाटी क्षेत्र को ही जोड़ता है। और इस पुल का निर्माण पुल का निर्माण बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा प्रोजेक्ट द्वारा किया गया था। इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया हाल ही में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 18 जनवरी 2019 को युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है। और यह कार्यक्रम उन स्कूली छात्रों के लिए है जो अंतरिक्ष अनुसंधान में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 छात्रों का चयन किया जाएगा। हर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 3 छात्रों को लिया जाएगा। 7वीं एशियन भारत पर्यटक मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तो एशियन और भारत के पर्यटक मंत्रियों की 7वीं बैठक 18 जनवरी 2019 को हाई योंग याद रखिएगा सिटी वियतनाम में आयोजित की गई। केंद्रीय पर्यटक मंत्री KJ अल्फोंस ने वियतनाम की संस्कृति, खेल और पर्यटक मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रियों ने एशियन भारत पर्यटक सहयोग वर्ष 2019 में ही शुरू किया है। अकील अहमद को CLE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो PR अकील अहमद को काउंसलिंग फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय लीखा को CLE उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनका। और यह परिषद चमड़ा और चमड़ा उद्योग व्यापार संवर्धन संगठन है एक, और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नए नौसैनिक एयर स्क्वाड्रन को मंजूरी मिली। तो भारत सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु में 3 नए नौसेना एयर स्क्वाड्रन स्थापित करने को मंजूरी दी है। और 3 नए एयर स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना की समग्र शक्ति में वृद्धि करेंगे ये। और सरकार ने केरल और अंडमान द्वीप समूह में मौजूदा डोर्नियर सर्विलांस मैत्रिक विमानों के संचालन के लिए मानव शक्ति की भर्ती को भी मंजूरी देंगे। गुरिंदर को रोजा पार्क्स ट्रेल ब्लेजर अवार्ड मिला हाल ही में। तो भारतीय अमेरिकी परोपकारी और उद्यमी गुरिंदर सिंह खालसा को प्रतिष्ठित रोजा पार्क्स ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और उन्हें साहस और करुणा के अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके एक अभियान शुरू किया था उन्होंने जिसने अमेरिकी अधिकारियों को सिख समुदाय की पगड़ी के प्रति अपनी नीति को बदलने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र में भारत का दूसरा नवाचार केंद्र स्थापित किया गया। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री सुभाष भामरे ने कहा महाराष्ट्र में नासिक देश के दूसरे नवाचार केंद्र का स्थान होगा। और नासिक के रक्षा नवाचार केंद्र से स्थानीय उद्योगों और उद्यमियों को मदद मिलेगी। देश के रक्षा क्षेत्र में भी केंद्र की मेक इन इंडिया पहल को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और भारत का जो पहला नवाचार केंद्र था ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारत में उज्बेकिस्तान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो भारत में यूरेनियम स्थिति आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ एक दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जो परमाणु ईंधन के लिए इसके स्रोत आधार को चौड़ा करने के लिए केंद्रित है। उज्बेकिस्तान दुनिया में यूरेनियम का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है याद रखिएगा। उल्कापात के लिए उपग्रह लॉन्च किया गया हाल ही में। तो जापान एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला कृत्रिम उल्कापात करना है। इस उपग्रह को इंसिलॉन 4 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। उपग्रह वातावरण में चमकीली छोटी गेंद के आकार की वस्तुएं छोड़ेगा जो एक उल्कापात का आभास कराएगी। टोक्यो में स्थित एक स्टार्टअप ALE को हिरोशिमा के ऊपर उल्कापात प्रदर्शन के लिए उपग्रह विकसित करेगा। यूपी सरकार ने मुगल सराय तहसील का नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई से। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मुगल सराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। और अक्टूबर 2018 में
सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद डिवीजन का नाम बदलकर अयोध्या रखा था, याद रखिएगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लेफवेन ने दूसरा कार्यकाल जीता, तो स्वीडन की संसद में प्रधानमंत्री स्टीफन लेफवेन को 4 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है, और उसकी मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना की करेंसी है, मुद्रा है। भारत भूमि क्षरण पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो भारत अक्टूबर 2019 में मरुस्थलीकरण का सामना करने के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों के सम्मेलन के 14 सत्र की मेजबानी करेगा यह, और यह सम्मेलन भूमि क्षरण और मरुस्थलीय के मुद्दे को संबोधित करेगा, याद रखिएगा। इंडिया स्टील 2019 एक्सप्रो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का 4th संस्करण है, और यह 22 जनवरी से 24 जनवरी मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। इसका आयोजन इस्पात मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य उद्योगों के विकास के लिए एक रोड मैप विकसित करना है, याद रखिएगा। महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में 20% नौकरी मिलेगी, तो भारत सरकार ने पहली बार मिलिट्री पुलिस में आधिकारिक रैंक से नीचे कर्मचारी वर्ग में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। महिलाओं को मिलिट्री पुलिस के कुल कोर के 20% होने तक श्रेणीबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। उनकी भूमिका बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले की जांच करने से लेकर जहां भी आवश्यकता होगी वहां वो सेना की सहायता करना शामिल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।